जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों भारत एक ऐसी खुफिया मिसाइल बना रहा है जिससे कि चाइना नहीं बल्कि खुद अमेरिका भी घबराया हुआ है और भारत की इस मिसाइल को बनने से रोकना चाहता है। हालांकि दोस्तों कई विशेषज्ञों द्वारा इस बात के भी संकेत जताए जाते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत एशिया रीजन में इतनी खतरनाक मिसाइलें बनाकर डेवलप कर दे जो कि एशिया रीजन से बाहर आके हमला करने में सक्षम हो और का तोड़ अमेरिका के पास भी मौजूद ना हो। आपको बताना चाहूंगा ये मिसाइल कोई और मिसाइल नहीं बल्कि अग्नि 6 मिसाइल है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो ये है कि भारत ने अभी तक खुद इस बात का ऐलान नहीं किया भारत किसी अग्नि 6 जैसे मिसाइल प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर भी रहा है या नहीं, इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट अस्तित्व में है भी या नहीं। और यही कारण है कि भारत ने दुनिया को अग्नि 6 और अपनी सूर्य मिसाइल को लेकर भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन में डाला हुआ है, क्योंकि कुछ खुफिया रिपोर्टों का कहना है कि अग्नि 6 ही सूर्य मिसाइल है और कुछ रिपोर्टों का कहना है कि सूर्य अलग मिसाइल और अग्नि 6 एक अलग मिसाइल है। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार की तरफ से या भारत की तरफ से इस बात की कभी भी कोई पुष्टि नहीं की गई कि अग्नि 6 मिसाइल ही सूर्य मिसाइल है या सूर्य मिसाइल ही अग्नि 6 मिसाइल है या फिर ये दोनों टोटली अलग मिसाइलें हैं। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई है कि ये दोनों अलग अलग मिसाइलें हैं या फिर एक ही मिसाइल है, लेकिन चाइना अभी से ही भारत के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को लेकर काफी ज्यादा चिंता व्यक्त कर रहा है। और इसी कड़ी में दोस्तों चाइना अपने कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अमेरिका को भी इस बात को लेकर भड़काने की कोशिश कर रहा है कि भारत इस तरीके की इंटरकॉन्टिनेंटल यानी कि पूरी दुनिया को नाप देने वाली मिसाइलें ना बनाए, ना तो मौजूदा समय में और ना ही भविष्य में। साथ ही चाइना का कहना है कि अमेरिका को भारत को ऐसा करने से रोकना चाहिए। और जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, जब से भारत ने अपनी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया तब से चाइना में काफी ज्यादा उथल पुथल मची हुई है और यही कारण है कि चाइना निरंतर अपने जासूसी जहाजों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में भेजते रहता है और भारतीय मिसाइलों की खूबियां जानने के लिए अपने पूरे तंत्र को कार्य में लगाए हुए हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आप सभी मित्रगणों की क्या राय कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।